हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटहल के अचार की रेसिपी लेकर के आए हैं। हमने एक किलो कच्चा कटहल लिया, इसके हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसे हमने पंखे में सूखने के लिए रख दिया था अच्छी तरह से नमी निकल जाने तक। अब हम लेंगे मसाले। ये गन्ने का सिरका है, आप कोई भी सिरका ले सकते हैं। 3 चम्मच हमने नमक लिया है, 3 चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 चम्मच एक बड़ा चम्मच मेथी दाना, 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, 20 से 25 लहसुन, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम कटहल को कुकर में डाल देंगे और अभी हमने गैस को नहीं जलाया है। हमें हल्का सा इसे बस सॉफ्ट करना है। इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक हम पूरा डाल देंगे। अब हम ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 चम्मच ये गन्ने का सिरका है। आप चाहे एप्पल साइडर विनेगर या सफ़ेद सिरका भी ले सकते हैं। अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे और हम गैस को जला देंगे और इसे हमें सीटी बिल्कुल भी नहीं आने देनी है, सिर्फ इसे प्रेशर तक आ जाए बस इतना ही हम रखेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्रेशर रिलीज होने के बाद ही हम इसे खोलेंगे। ये देखिए हमारा कुकर ठंडा हो गया है और ये सॉफ्ट हो गया है जितना हमें चाहिए था, हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे लगभग 1/2 घंटा। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। ये देखिए ये जला भी नहीं है बिल्कुल, ये जो आप कलर देख रहे हैं वो सिरके की वजह से है। अब इस सिरका हम निकाल लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। जब तक ये हमारा कटहल ठंडा हो रहा है हम मसालों को रोस्ट करेंगे। मसाले में हम सिर्फ धनिया, सौंफ और मेथी दाना ही रोस्ट करेंगे। कलौंजी को हमें नहीं रोस्ट करना है, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। ये इसे हम दरदरा कूट लेंगे। तो चलिए हम धनिया को रोस्ट करते हैं। ये हल्का सा ही हम रोस्ट करेंगे इसे। ये रोस्ट हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना, इसे भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब इसी में हम ऐड कर लेंगे ये सौंफ, क्योंकि सौंफ हमें बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। ये भी रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे और हम इसमें निकाल लेंगे बड़ी थाली में, जिससे मसालों को मिक्स करने में आसानी हो। अब इसमें हम दरदरे पिसे हुए मसालों को डालेंगे। ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर 3 बड़े चम्मच, ये कुटा हुआ लहसुन, हल्दी पाउडर, हींग, कलौंजी या मैंगरायल, और ये अमचूर पाउडर या खटाई। अब ये हम जो हमारा सिरका बचा था उबालते समय उसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम लगभग 1/2 लीटर सरसों का तेल। सरसों के तेल में अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बिना धो के बनने वाला अचार है जो कि सालों चलेगा। तो इसे एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। अब ये हम डाल देंगे सौंफ
और मेथी दाना पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हम इसे कोट कर लेंगे। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, इसलिए हम नमक नहीं डाल रहे हैं। मसाले हमारे अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। ये हमारे कटहल के अचार की रेसिपी ये तैयार है। अब इसे आप एक सूखे मर्तबान में रखें, पानी मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे, चाहे तो आप कांच के बॉटल में रखिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।